सी बात यह है जबान का फैज कुछ ज्यादा ही नहीं है, सांस का फैज भी कुछ ज्यादा नहीं है। जबान का भी हर कोई काट सकता है, सांस का भी हर कोई काट सकता है। यकीन करो हमने हिंदुओं को देखा है, वो सांस मुस्लिम बात करता हूँ सांस यहाँ से बच्चा मेरे पास है कहना मेरी अम्मी सांस का जिक्र करती है, कहाँ से लिया एक हिंदू दे गया उसको हिंदू उसको बता दिया उसके सांस का जिक्र करते हैं उस हिंदू कहाँ से मिला तो उस हिंदू को मुसलमान से मिला सांस का जिक्र कनक का जिक्र कमा है एक वक्त आता है कि इन सातों को जोड़ते हैं आपस में पढ़े से ये अल्लाह करेगा तो सातों अल्लाह वो जिक्र रब्बानी करता है। उसके बाद तो फिर सातों अजाब जिक्र में अजाब हो जाते हैं उसको जिक्र कुर्बानी बोलते हैं। जिक्र कुर्बानी के बाद फिर हुजूर पाक की महफिल के काबिल होता है, मतलब पूरा पाक हो जाता है फिर महफिल काबिल। लोग किस जिक्र कुर्बानी से पहले हुजूर पाक की महफिल में जाने की कोशिश करते हैं ना, नहीं पहुंच सकते जारी होना ही बहुत बड़ी चीज। नहीं कल हम कहते हैं कृपया कलर देना आगे और मंजिल है जिसे हो जाए फिर मंदिरों के लिए आपको किसी पीर को या अकेला नहीं पहुंचना। अगर इन मंदिरों को तय करना जैसे मरीज ने शुरू ही किया था तो विशाल हो गया मुश्किल कार्य तो उसका मैं बात समझ गया ना। उसमें कुछ मुर्शिद होते हैं जो कामल जात होते हैं, जैसा फैज उनकी जिंदगी में था वैसा फैज उनकी जिंदगी के बाद वो भले कशब के जरिए भले खाब के जरिए मंजिले तय कराते हैं। अच्छा बाद मुर्शिद कामन हयात होते हैं उनकी जिंदगी में फायद होता है, जिंदगी के लाभ उसको फायदे का खत्म हो जाता है, उनके मरीज को फिर दूसरे के पास जाता है दूसरे के पास जाता है। मेरे पीर मुर्शिद जो है वो गंगोज ही हुआ वो भी कामल है इस वक्त के रोज है मुझे भी खबर नहीं होगी लेकिन वो ऐसा करते हैं ना हम एक बात है पहले शरीर पर जाते हैं तो गाड़ी गाड़ी खाते हैं जब देखते हैं ना शरीर पे पक्का हो गया तो फिर वो जिक्र तक लेते जाते हैं। सांस का जिक्र पहले सिखा नहीं कलम पे तक कलम में इंतजाम में लेके जाते हैं कलम में इंतजाम में लेके जाते हैं। हमारा सिलसिला कुछ और है सारे MBBS डॉक्टर जो है ना सारे सही हैं किसी वजह एक ही मदरसे के पड़े हुए हैं ना लेकिन ड्यूटी है ना किसी आँख की किसी कान की किसी दिल की स्पेशल जबान है ना वो ये लोग स्पेशल जबान वाले हैं ना हमारी ड्यूटी स्पेशल दिल की है ना हम तुम्हारी जबानों पर नहीं जाए हमें तुम्हारे दिल को अलार्म लगाना चाहते हैं ना नहीं वो सांस का देते हैं सांस के साथ हम कहते हैं सांस के साथ अगर आप 24 घंटे करेंगे ना तो 24 घंटे में 24,000 सांस आते हैं। आपने 24 घंटे में 24,000 दफा अल्लाह करें अगर दिल की धड़कन के साथ अल्लाह करेंगे ना तो एक घंटे में 6,000 दफा करती है ना तो 24 घंटे में 100,000 से भी बढ़ जाती है ना। तो वहां कुरान में ना कसीर ना कसीर कसर से जिक्र का और 100,000 से ज्यादा जिक्र वो भी जिक्र है लेकिन वो थोड़ा ना ये ज्यादा है ना फिर इससे भी जिक्र और ज्यादा हो जाता है सवा लक्ष से भी तो जब तुम्हारी मखलूक बाहर निकलते हैं वो बैठ कर जिक्र करोगे ना अगर तुम इधर अल्लाह लग गए और खाने कबों में करिए मदीन श्री में करो उस पर उधर पर करिए फिर काम में काम दिन पे आते हैं अल्लाह और रिश्ते देख हम वो है बहुत सारे काम होंगे अल्लाह तला फरमाता है जिसका क्या एहसान किया आप तो वापस ही आ रहे उसका एहसास बहुत इसी जिंदगी में खत्म हो जाए क्योंकि वो मर भी जाएगा ना ये जिसम मरेगा ना वो डर के अल्लाह वो कहीं मरेंगे ना उनके आप डर के अल्लाह लगते रहेंगे ना तो सारा स्वाद उसी को मिलेगा। एक बार तो जहन में आई थी कि आपने सुना था मोमिन का एक मकाम पर ठहर जाना हराम का महसूस आपने तो अगर वो
मरीज रुक गया किसी मकान से, मुर्शिद का इशारा हो गया, वो कहीं इस ये सोच के ना जाए कि मैं मुर्शिद बस उससे मोहब्बत है उसको सरकार मालूम होगा वो मरीज रुक जाएगा तो हराम ये आगे चले थे कि प्रभाव नहीं करते इसमें होते हैं ना कुछ होते हैं तुमने ये सुना होगा मखदूम जानिया सरगस्त को उनको मखदूम कहते हैं जान मखदूम को कहते हैं जो वली तो वली क्यों कहते हैं कुछ छोड़ना जो सिर्फ मुर्शिद की खिदमत में रहते हैं उनको खिदमत से मिलता है जब खिदमत से मिलता है तो मखदूम कहलाता है कुछ लोग हैं जो इकबाल से पाते हैं कुछ मुर्शिद के नजर से मुर्शिद के मोहब्बत से पाते हैं ये दर्जे हैं अगर तुम मुर्शिद के मोहब्बत में ना मोहब्बत में इश्क में तब बिल्कुल नहीं कर पा आगे जा तो उसके इश्क में जाएगा ना तो वो तुझे ठुकराएगा ना तो फिर तेरा इश्क अल्लाह की तरफ जाएगा अच्छा एक मुकाम में आता वो तुझे ठुकरा देगा ताकि तेरा तो दूसरी तरफ हो गया भैया दुनिया में किसी काम में लगा तू कुछ ठुकरा था तेरा तो दूसरे दरवाजे पर होगा ना जब उस तरह जाता है ना उसको ठुकराता है उसका रुख अल्लाह की तरफ रौस पाक की तरफ होता है फिर रौस पाक ठुकराते हैं रवी पाक की तरफ फिर रवी पाक ठुकराते हैं कुछ वली तो कुछ वलियों ने तो ऐसा कलाम लिखा है कि अपने मुर्शिद को मंजिल और खुदा और रसूल समझो तो अगर वो अपने मुर्शिद से खुदा और मंजिल से इश्क कर रहा है अब रास में अगर तेरा मुर्शिद ना अल्लाह वाला तब तू उसको खुदा समझ सकता है उन्होंने लिखा था जिनके मुर्शिद ना अल्लाह वाले जिनके मुर्शिद दीदार वाले थे तो वो तो नहीं ठुकराते थे वो भी ठुकराते ठुकराते हैं कि अल्लाह की तरफ वो इसका नहीं है सबको आखिरी मंजिल अल्लाह की है तुम मुर्शिद भी पकड़े हैं ना तो अल्लाह के लिए पकड़े हैं तो बीच में तो भले तुमको खिदमत में लगाया किसी किसी के लिए आखिर मौला उसी तरह था ना उनको जिसके लिए तुमने उसको पकड़ा अपने हबीब का शुक्र की मोहब्बत जिनसे तू मोहब्बत करता हूँ ये जो तस्वीर आप मुलाजा फरमा रहे हैं ये एक मस्जिद है आलम मस्जिद जी भाई आपको बताएंगे कौन सी मस्जिद है नसीब ये जी इंग्लैंड की लंदन की मस्जिद है बालम एरिया का नाम है समझे ना ये वहाँ पर ये हमारे जाकिर भाई हैं कादर भाई अक्सर वो नमाज पढ़ने वहीं जाते हैं अच्छा तो उन्होंने ये सरकार की ये जो है छवि जो है ये मेंबर पे ऊपर देखी है आप देख रहे हैं ये मेंबर ये पूरा मेंबर है यहाँ से लेके नीचे तक और यहाँ पर जो है सरकार की तस्वीर जो छवि आ रही है इस पे हो सकता है आपको क्लियर नजर ना आए लेकिन हमारे पास दूसरी तस्वीरें मौजूद है जिस पे क्रोजअप है आपको नजर आएंगी एक मिनट रुक जाए आप मस्जिद है ये लंदन में है जो हमारे जाकिर हैं कादर भाई।